शिक्षा समाज के विकास का मूल आधार है। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने और उसे आधुनिक बनाने के लिए नए प्रयोगों पर विशेष बल दे रही है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है मानव संपदा पोर्टल। बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत लाखों शिक्षकों तथा अन्य स्टाफ की सेवाओं के बेहतर प्रबंधन और समस्याओं के त्वरित निवारण हेतु मानव संपदा पोर्टल का विकास किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से कर्मचारियों की सेवाओं का संपूर्ण लेखा जोखा ऑनलाइन उपलब्ध होगा। इसके माध्यम से अवकाश के लिए आवेदन तथा अनुमोदन आसानी से किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त शिक्षकों तथा अन्य स्टाफ की सर्विस बुक भी इसी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी, जिसे आसानी से देखा जा सकेगा। इसके अतिरिक्त स्थानांतरण, वेतन तथा ACR भी शीघ्र ही इस पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। आइए समझते हैं कैसे काम करता है मानव संपदा पोर्टल और इस पर आप अपनी जानकारी देखने के लिए क्या करेंगे। इस पोर्टल को खोलने के लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर इंटरनेट एक्सप्लोरर अथवा गूगल क्रोम खोलना होगा। उसके बाद पोर्टल का एड्रेस www.ehrms.upsdc.gov.in टाइप करना होगा। इंटर करते ही मानव संपदा पोर्टल खुल जाएगा, जो कुछ ऐसा दिखता है। अब इस पोर्टल पर किसी भी जानकारी अथवा सेवा के लिए आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड चाहिए। आइए जानते हैं कि आपको आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड कैसे प्राप्त होंगे। लॉगिन आईडी के लिए पोर्टल के दाहिने कॉर्नर पर पब्लिक विंडो टैब में फैक्ट शीट पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक नया विंडो खुलकर आएगा, जिसमें दो ऑप्शन मिलेंगे, प्रथम क्विक सर्च और द्वितीय एडवांस सर्च, जिसमें से आप एडवांस सर्च पर क्लिक करके आगे की प्रक्रिया अपनाएंगे। डिपार्टमेंट वाले कॉलम में बेसिक एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे, दूसरे कॉलम में डायरेक्टर ऑफ बेसिक एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे, पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट में अपना पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उदाहरण के लिए मैं अपना डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर सेलेक्ट कर रहा हूँ। सर्च क्राइटेरिया में बाय एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद लास्ट कॉलम में अपना नाम डालेंगे और व्यू रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी डिटेल आपके सामने होगी। यहीं पर 5 से 6 अंक का एक आईडी होगा, इसे नोट कर लें, यही आपकी लॉगिन आईडी है। ये लॉगिन आईडी ही आपकी एम्प्लॉय आईडी भी होगी। आगे चलकर सभी जगहों पर यही आईडी यूज की जाएगी, अतः ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे विशेष ध्यान से अपने पास नोट कर लें। लॉगिन आईडी प्राप्त हो जाने के बाद आपको आवश्यकता है आपके पासवर्ड की। अब जानते हैं कि पासवर्ड कैसे प्राप्त होगा। मानव संपदा पोर्टल पर किसी भी व्यक्ति का डिफॉल्ट पासवर्ड उसके नाम के प्रथम 3 अक्षर, जो कि कैपिटल में हो, और उसकी जन्मतिथि के वर्ष से मिलाकर बनेगा। यदि मेरा नाम अजीम है और मेरी जन्मतिथि 1985 है तो मेरा पासवर्ड होगा AZM1985। अगर बाय डिफॉल्ट पासवर्ड से आपका अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा है तो आपको फॉरगेट पासवर्ड की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। सबसे पहले आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, फिर डायरेक्टर ऑफ बेसिक एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे और फिर अपनी आईडी संबंधित कॉलम में डालेंगे। अब आपके पास एक SMS आएगा, जिसमें आपका नया पासवर्ड दिया गया है। उस नए पासवर्ड को लॉगिन पेज पे जाकर सबसे पहले डायरेक्टर ऑफ बेसिक एजुकेशन सेलेक्ट कर अपनी आईडी डालकर वह पासवर्ड डालें। इसके बाद कैप्चा कोड डालकर सबमिट कर दें। अब आपके पास OTP आएगा, उसको वैलिडेट कर दें। नया विंडो खुलेगा, वहां पर अब आपको अपना वही मैसेज वाला पासवर्ड डालकर नया पासवर्ड बनाना है। पहले कॉलम में मैसेज वाला पासवर्ड डालें, फिर दूसरे कॉलम में अपनी तरफ से कोई पासवर्ड डालें, तीसरे कॉलम में पासवर्ड को कंफर्म करें और कैप्चा कोड डालकर सबमिट कर दें। आपकी आईडी बंद हो जाएगी। अब फिर लॉगिन पेज पे जाकर लॉगिन करें, डायरेक्टर ऑफ बेसिक एजुकेशन सेलेक्ट करें, अपनी आईडी डालें और आपने जो नया पासवर्ड डाला है वो डालें, कैप्चा कोड सबमिट करें और फिर आपको एक OTP आएगा। OTP डालकर आप अपना अकाउंट फिर से खोल सकते हैं। अपना नया पासवर्ड बनाने में आपको दिक्कत ना हो, इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखें।
इसके लिए अपने नाम का पहला बड़ा अक्षर, फिर बाकी स्पेलिंग और फिर एट द रेट और 123 या कोई 3 डिजिट का नंबर डाल दें। पासवर्ड कुल 5 से 8 डिजिट के बीच होना चाहिए, जिसमें एक कैपिटल, कुछ स्मॉल, कुछ गिनती या कुछ कैरेक्टर शामिल हैं। यदि आपके मोबाइल नंबर पर आपका OTP या पासवर्ड नहीं आ रहा है तो इसके लिए आपको अपने VRC कार्यालय संपर्क करना पड़ेगा और अपना मोबाइल नंबर मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज कराना पड़ेगा। मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन लीव, सर्विस बुक, लीव मैनेजमेंट, स्थानांतरण जैसी कई सुविधाएं कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए उपलब्ध हैं। आइए समझते हैं कि छुट्टी के लिए मानव संपदा पोर्टल पर कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले पोर्टल www.ehrms.upsdc.gov.in पर जाकर दाहिने कोने पर स्थित EHRMS लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसमें अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड तथा अन्य सूचनाएं भरकर क्लिक करेंगे। अब आपकी आईडी लॉगिन हो गई है। आईडी लॉगिन होने के बाद आपका पेज कुछ इस तरह खुलकर आएगा। इसके दाहिने कॉर्नर पर ऑनलाइन लीव पर क्लिक करें, फिर अप्लाई लीव पर जाएं। सबसे पहले सिलेक्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर पर क्लिक करें, ऐड अ रिपोर्टर ऑफिसर पर क्लिक करें और अपने अधिकारी के डिटेल भरकर सेव कर दें। ऑनलाइन सर्विस में लीव सेलेक्ट करें, राज्य में उत्तर प्रदेश, जनपद में अपना जनपद, ऑफिस में BEO जो आपका संबंधित ऑफिस हो उसे सेलेक्ट करें। डिजिग्नेशन में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को सेलेक्ट करें और लास्ट कॉलम यानी रिपोर्टिंग ऑफिसर में अपने BEO का नाम सेलेक्ट करके सेव कर दें। अब छुट्टी के लिए अप्लाई करें। छुट्टी का प्रकार सेलेक्ट करें, कब से कब तक छुट्टी पर रहना है उसकी डेट डालें, छुट्टी का कारण बताएं, छुट्टी में आप कहां रहेंगे वहां का पता लिखें और सबमिट कर दें। CL, मेडिकल लीव, मेटर्निटी लीव तथा अन्य सेवाओं के लिए संबंधित कागजात अनिवार्य हैं। संबंधित कागजात को PDF बनाकर अपलोड करना होगा। सफलतापूर्वक सबमिट होते ही आपके पास एक SMS आ जाएगा, जिसमें ये रिपोर्ट होगी कि आपकी छुट्टी लिख ली गई है। आवेदन की गई छुट्टियों की स्थिति जानने के लिए आपको ऑनलाइन लीव में जाकर अप्लाई लीव पर क्लिक करना होगा और फॉर्म खुलने के बाद नीचे सबमिट लिखा होगा, उसके नीचे 2 ऑप्शन होंगे, उसमें प्रीवियस अप्लाइड लीव पर क्लिक करके आप अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। रिपोर्टिंग ऑफिसर चुनने के लिए ध्यान रखें कि सभी प्रकार के अवकाश, NOC या किसी अन्य प्रकार की सेवा के लिए आप अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर खंड शिक्षा अधिकारी को सिलेक्ट करें। जो छुट्टी खंड शिक्षा अधिकारी के अधीन आती है वह उसे खुद स्वीकृत कर दें। जो छुट्टी या सेवा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के अधीन आती है उसे खंड शिक्षा अधिकारी आगे फॉरवर्ड कर देंगे। अंततः छुट्टी संबंधित अधिकारी स्वीकृत कर देंगे। आइए जानते हैं कि किस प्रकार की छुट्टी के लिए कौन से कागजात अपलोड करने होंगे। आकस्मिक अवकाश के लिए आपको प्रार्थना पत्र अपलोड नहीं करना है, आपको केवल छुट्टी का दिनांक अपलोड करके सबमिट कर देना है। आपको SMS मिल जाएगा। आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा 2 दिवस के अंदर करना अनिवार्य होगा। मेडिकल अवकाश की स्थिति में वापस आने की कोई निर्धारित तिथि नहीं होती है, अतः जब भी आप मेडिकल अवकाश पर जाएं, तो वापस आकर फिटनेस रिपोर्ट के साथ ज्वाइन कर लें और उसको शीघ्र अतिशीघ्र BRC कार्यालय में जाकर ऑनलाइन अपडेट करवा दें। मेडिकल पर जाने पर डॉक्टर की सलाह का कागज, फिटनेस रिपोर्ट, डिस्चार्ज रिपोर्ट आदि कागजात साथ लेकर वहां अपलोड कराएं। यह कार्य BRC से ही संभव है। चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा 2 दिन के अंदर करना अनिवार्य है। बाल्य देखभाल अवकाश लेने के लिए बाल्य देखभाल फॉर्म भरते समय आप एक आवेदन पत्र जिसपे हेड के हस्ताक्षर और मोहर हों, एक शपथ पत्र तथा बच्चे की जन्मतिथि का प्रमाण पत्र, यह 3-4 कागजात आपको PDF फाइल बनाकर अपलोड करनी होगी। ध्यान रहे कि ये PDF फाइल 2 MB से अधिक ना हो।
बाल्य देखभाल अवकाश की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा 2 दिवस के अंदर की जाएगी। मैटरनिटी तथा मिसकैरेज अवकाश में बाल्य देखभाल अवकाश की तरह ही आवेदन किया जाएगा। संबंधित प्रपत्र अपलोड किए जाएंगे, तरीका वही रहेगा, बस सारे कागजात को क्रम से लगाकर PDF बनाकर अपलोड करना होगा, जैसे कि आवेदन पत्र एवं डॉक्टर की रिपोर्ट आदि। मातृत्व अवकाश अथवा मिसकैरेज अवकाश की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा 2 दिवस के अंदर की जाएगी। ध्यान रखें कि जितनी बार आप इस ID पर लॉगिन करेंगे उतनी बार आपको OTP आएगा। उस OTP को सबमिट करने पर ही आपकी ID खुलेगी। इस प्रकार मानव संपदा पोर्टल शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों की संपूर्ण सेवाओं को आसान और सुविधाजनक बनाएगा।